थ्री डायरेक्शन नीचे जो होल बने हुए ये गरम तेल गरम पानी गेरने के लिए दीवार के नजदीक आके सीढ़ी और रसोस चढ़ रहे दुश्मन वगैरह गरम तेल गरम पानी गेर जहाँ तोप रखी है वो सबसे ऊंचाई पे हाईएस्ट पॉइंट पे बढ़ाने के बाद में उसी जगह से एक ही बार टेस्टिंग के लिए चला है तो उसकी रेंज पाई गई थी 22 मील करीबन 35 किलोमीटर दूर चाकसू गाँव में टॉप रोड पर वहाँ जाके उसको गोला गिरा था। वहाँ काफ़ी दूर में खड्डा हो गया बाद में महाराजा ने तालाब बनवा दिए जी आज भी गोलीमार तालाब के नाम से पता नहीं पता। ये जो फोर्ट आप देख रहे हो 1000 साल पुराना फोर्ट है इसको 10th सेंचुरी 36 में राजपूत राजा थे काकिल देव जी उन्होंने इसकी नींव रखी थी। उन्होंने इसको बनवाना शुरू किया था उनके बाद में उन्हीं के परिवार के 27 राजाओं ने इस फोर्ट को पूरा कंप्लीट करवाया। लास्ट में सवाई जयसिंह जी ने 17th सेंचुरी में पूरा कंप्लीट करवाया। जयसिंह जी के नाम के ऊपर इस किले का नाम रखा आमेर का किला जयगढ़। 700 साल में जाकर के पूरा कंप्लीट बना। 27 राजाओं का शासन आमेर में रहा फिर जयपुर शहर बसाया सवाई जयसिंह जी ने तो वहाँ रहने लग गए। पहले जयपुर से पहले की राजधानी आमेर थी तो आमेर की सुरक्षा के लिए बना फोर्ट था। जयपुर शहर 1727 में सवाई जयसिंह जी ने बसाया वहाँ राजधानी बाद में बनाए। इसी किले के अंदर कैनन फाउंड्री थी तोपे बनाने कारखाना तो जितनी भी तोपे आप इस किले में देखोगे सब यहीं की बनाई हुई। तो सबसे पहले हिंदुस्तान बाबर के साथ में तोप और बारूद का आगमन हुआ था 1526 में। उससे पहले यहाँ के राजाओं को तोप और बारूद की जानकारी नहीं थी। मानसिंह जी फर्स्ट काबुल गए वहाँ लड़ाई जीत के 6 साल तक रहे वहीं से कारीगर टूल्स ला के इसी फोर्ट में कैनन फाउंड्री लगाई। ये इस किले का महल छत्र है या लड़ाई के दौरान रहता था ये डिफेंस के हिसाब से बना हुआ भूल भुलैया है। इसी किले में खुदाई हुई थी खजाने के लिए 1975-76 में इमरजेंसी पीरियड में। उसी के बाद में इसको खोला देखने के लिए 1983 से ट्रस्ट बनाकर अभी रॉयल फैमिली के अंडरटेकिंग है ये फोर्ट। ये सुबर्ट निवास असेंबली हॉल राजा और सैनिक बैठ करके यहाँ मीटिंग करते हैं। अब आगे चलते हैं ये वाटर कूलर है 18th सेंचुरी के हाथ हैंडल से घुमाकर चलाते थे इनको। ये हाथी के ऊपर रखने का होता है लड़ाई के समय काम लेते हैं 400 साल पुराना है। ये ड्रम्स है नंगारे लड़ाई के समय बजाते कॉपर के बनाए 16th सेंचुरी के। इनके ऊपर भैंसे का चमड़ा चढ़ा हुआ इनकी 9-10 किलोमीटर तक आवाज़ जाती थी। ये कल्ब का रहा आमेर की तरफ से आने लाने ले जाने के लिए है। ये खिलवती निवास है गुप्त मीटिंग के लिए सेनापति मंत्रियों के साथ में बैठ करके मीटिंग होती थी। जैसे जैसे अपन अंदर चले कि मैं जो ओपन कोटियर आते रहे कि बाहर से ऐसे लगता है कि यही एंड हो गया। अच्छा हाँ एक्चुअली लगता ही नहीं स्टार्ट ही नहीं होता ऐसा लगता है किला ना। महारानियों को बिठाने के लिए ये लक्ष्मीलाल है राजा का रहने का रेजिडेंस पैलेस था ड्राइंग रूम बेडरूम अंदर की तरफ ड्राइंग रूम बेडरूम है। इसमें अंदर जाने के लिए दोनों साइड में दो रास्ते बने हुए ये राजा मंत्री वगैरह ऐसे मशक लगा के बैठ जाते सामने सेना ही नगारे बजाने वाले बैठते थे म्यूजिक में। महारानियों के लिए महारानियों के पर्दा सिस्टम रहता है दूसरा कोई नहीं एक ऊपर खुला रास्ता है जो सैनिक जाते हैं सुरक्षा के लिए। ठंडा है ना
ये चूने पत्थर से बना हुआ है, चार मोटी दीवारें हैं। ये पॉपेट थिएटर है, पहले मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, ये कठपुतली का खेल देख के अपना मनोरंजन करते थे। डांस होता भी अभी भी आपने लगाया हुआ है, दो तीन मिनट का होता है, कोई फिक्स नहीं है, कोई टिकट नहीं है, अपनी इच्छा से जो भी नाम देना चाहे वो ले सकते हैं। चलो आपके सामने अनारकली, अनारकली जी साहब लोग को नमस्कार, बड़े साहब को नमस्कार, मेरे अनुकूल हमारे गायक साहब को भी नमस्कार। मैडम आप अंदर आके अपना वीडियो बनवाना चाहे बनवा सकते हैं। मुझे मजा है, मैंने पहली बार देखी। सांप को बैठाया था तूने ऊपर? अच्छा तेरी ख्वाहिश पूरी होगी। ये रॉयल फैमिली के लिए किचन है, अंदर की तरफ रसोई घर है, पुराने बर्तन वगैरह रखे हुए। ये डाइनिंग बरामदा राजाओं के लिए, सामने महारानियों के लिए। ये नीचे कारपेट वगैरह बिछा के लकड़ी की चौकियाँ बाजोट लगा के नीचे बैठ के खाना खाते थे। ये मिर्जा राज जयसिंह जी का डेमो बनाया हुआ है, बाकी ये सब ठिकानेदार जागीरदार। वो तरफ नॉन वेज खाना बनता था, अंदर वेज है, पुराने चूल्हे बने हुए हैं अंदर, ओरिजिनल बर्तन है, रसोई घर में काम आने वाले। ये साइड पुलाव बनाते हुए मसाला पीसा सल बट्टा अमाम दस्ता मसाला कूटने का, ये रसोई घर में काम आने वाले बर्तन हैं सभी तांबे के। ये नीचे तहखाने बने हुए स्टोव रखते थे खाने का। मंदिर है, गर्मियों में रहने का पैलेस था, डबल मंजिल में बना हुआ। ये हाथियों के ऊपर रखने के औजार अलग अलग तरह। पर इस फोर्ट का तो इस्तेमाल लड़ाई के लिए करते थे ना? हाँ, तो खाना वाना लेकिन आटे हुआ नहीं है कभी। अच्छा, मतलब ऐसे घूमने फिरने के लिए आते होंगे राजा फिर? हाँ, तो क्या टाइम पास करने ट्रेजरी वगैरह यहीं रखते थे, तो बोर हो जाते होंगे तो फिर बीच में आ जाते थे। आम पब्लिक से राजा वहाँ मिल सकते थे आमिर महल, यहाँ आम पब्लिक अलाउ नहीं। एक बैक साइड में इधर गेट है, तो ये साल में दो बार खुलता था पहले, एक तो भैरवाष्टमी को, एक दीपावली के दूसरे रोज। तो लोकल पब्लिक जो होती थी वो मंदिरों तक आके वापस इधर से चले जाते। अच्छा। बाकी आवनी दरवाज़ा, डूंगर दरवाज़ा ये बाद में खुले हैं, जब ये आम पब्लिक के लिए खोल दिया जब। अच्छा। ये आमेर का पीछे का हिस्सा है, पानी के दो सागर हैं। बारिश का ही पानी इकट्ठा होता है, अंदर जो टैंक बाद में बनाए उससे पहले नीचे से पानी लेके आते थे। ये जो बाउंड्री है इसके नीचे पत्थर वाला रास्ता है, हाथियों के द्वारा पानी ला करके इस दरवाजे में से या टंकी में भरते, फिर रस्सी बाल्टियों से ऊपर खींचते कुएं की जैसे, फिर सप्लाई करते थे। मेहनत का और लड़ाई जैसे चल रही हो तो दोनों तरफ दीवारें, बीच में रास्ता, वो उधर से पानी लाने के लिए रास्ता। फिर बाद में अंदर व्यवस्था कर दी, अंदर टैंक बना दिया। इस पूरे फोर्ट में 7 वाटर टैंक बने हुए, नारगढ़ फोर्ट तक का पानी अंदर के टांकों में आगे इकट्ठा होता है, बाकी छतों का चौक का पानी अंदर के अंदर इकट्ठा होता रहता। ये चारों तरफ सैनिक रहते सुरक्षा के लिए, उनके लिए ये दीवारों पे टॉयलेट्स बने हुए। किले को आप देखोगे चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ, 1000 फुट के करीबन इसकी ऊंचाई, इसलिए सुरक्षित फोर्ट था। ये सब अरावली रेंज की पहाड़ियाँ। ये बाहर गार्डन है, उसमें फव्वारे चलते थे,
साई गार्डन है बाहर की तरफ, चारों साइड में चार फवारे चलते हैं, ये चार नाले हैं। इधर पीछे पानी का वाटर टैंक बड़ा हुआ, उससे इसको भर लेते थे। अच्छा, ये किला है ना, महल नहीं है, भूल मिलेगी। जितना वो महल जितना खूबसूरत है कमरे होते हैं ना, उतना ये किला है, तो इतना कमरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। थ्री डायरेक्शन नीचे जो होल बने हुए, ये गरम तेल गरम पानी गेरने के लिए, दीवार के नजदीक आके सीढ़ी और रस्सों से चढ़ रहे दुश्मन वगैरह, गरम तेल गरम पानी गेर। ये गार्डन है, चारों साइड में ये फवारे चलते थे, ये आराम मंदिर, इसमें राजा बैठ जाते, वो सुरंग वाला रास्ता, उससे महारानियाँ सामने जाके बैठ जाती, या बीच में नाच गाने नाटक वगैरह होते। देख नीचे पत्थर के उक्स लगे हुए, चारों तरफ मसाल जाते लाइट के लिए। ये तीन दरवाजे मानसिंह सेकंड ने 1940 में खुलवाए, उससे पहले बंद दीवार थी। वो दरवाजा है जो पहले साल में दो बार खुलता था मंदिर का। कहाँ? अच्छा, वो वाला दरवाजा। अच्छा, अभी तो रास्ता नहीं है ना। अंदर फिर गेट है आगे। ये नीचे आमेर है, जयपुर से पहले की राजधानी। ये आमेर महल में पीछे बैक साइड वाला रास्ता, वो फ्रंट साइड का, उससे पहले का रहने का ये कदमी पैलेस था, वो बीच में जगत श्रोमणी का मंदिर है मीरा जी का। ये मान सिंह जी के लड़के की, जगत सिंह जी की लड़ाई में मृत्यु हो गई थी, तो उनकी याद में उनकी माँ ने बनवाया था ये मंदिर। ये लड़ाई के दौरान पानी लाने का रास्ता है। ये गोल सा बना हुआ दमदमा बोलते हैं, छोटी तोप लगी हुई रहती है, ऐसे चार दमदमे बने हुए, इनके चारों का निशान आमेर की तरफ रहता है। इसके पास में पानी का छोटा वाटर टैंक बना हुआ। किले में आने का रास्ता है, पहले मेन रास्ता यही था, इसी रास्ते से आते थे राजा हाथियों के द्वारा घोड़ों से। और ये टर्नल का तीन जो खिड़कियां दिख रही है, उसके पास पास भी टर्नल है। सुरंग के द्वारा आकर के बीच में हॉल है, दोनों साइड में रूम्स बने हुए, उनका कोई फंक्शन प्रोग्राम होता है लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, और सामने प्रोग्राम वगैरह होता रहता है। अंदर से देखो, पीछे की साइड में रहती थी, भी उनके लिए ये सुरंग का रास्ता बंद कर दिया। ये ऑयल लैंप स्टैंड है दीपक जलाने के लिए, दिन में इनमें से रोशनी भी आती रहती है। हॉल अंदर गए थे ना हम लोग, यही से बाहर आ गए वापस, खत्म हो गए इतने ही पॉइंट्स से। किला अच्छा लगा, मतलब ठीक है, किले के हिसाब से तो अच्छा है। फोर्ट है वैसे भी ना, वो तो उसके लिए बना है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो कुछ खास नहीं है इतना इसमें। मतलब 100 व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से, और 100 रुपये ले रहा है गाइड, तो उसके हिसाब से वर्थ है डेफिनेटली। एंट्री फीस 100 रुपीज़ है, और
बाइक और कार पार्किंग के तो मैंने आपको बता ही दिए कितने वहाँ पे, मैंने वीडियो ले लिया था तो आपको पता ही होगा। तो 200-300 रुपए पर हेड गिन सकते हो आप, वर्थ है, व्यू बहुत अच्छा है। और ऐसे मौसम में है ना जब ज़्यादा धूप ना हो तो आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। ऐसा मौसम कैसा होता है, ऐसा मौसम पे आना, ठंडियों में आने के लिए बोलते हैं कुल्फी बनते हैं ऊपर। हाँ, रेनी सीजन में आ गए तो और मजा आएगा। वो बंद कर रखा है, बाहर से आ सकते, चल के आ सकते हैं आम्बे फोर्ट से वहाँ, बट वो गाड़ी लेके आते थे ना वो मना कर रहे हैं, वो स्टार्ट नहीं। अच्छा, चल के आम्बे फोर्ट से आते हैं। हाँ, कुछ दिखाने के लिए वो फाउंड्री है, कैनन फाउंड्री। हाँ, वो जो ऊपर वाला एक तोप है जो बहुत हैवी है, उबनी एक एक करके ऊपर। हाँ, वो विश्व के सबसे बड़ी तोप है, ऑन व्हील्स पहियों के ऊपर खड़ी है वो। एक बार उन्होंने निशाना किया 1720 में सवाई जयसिंह जी के शासनकाल में बनी है, सवाई जयसिंह जी ने बढ़वाई थी। इसी यहाँ जो कैरन फाउंड्री है, यहाँ से अलग अलग पार्ट्स हाथियों के द्वारा ले जाके उस जगह असम किया, जहाँ तोप रखी है वो सबसे ऊँचाई पर हाइएस्ट पॉइंट पर बनाने के बाद में उसी जगह से एक ही बार टेस्टिंग के लिए चला है, तो उसकी रेंज पाई गई थी 22 मील, करीबन 35 किलोमीटर दूर चाकसू गांव में टॉप रोड पर, वहाँ जाके उसका गोला गिरा था। वहाँ काफ़ी दूर में खड्डा हो गया, बाद में महाराजा ने तालाब बनवा दिए, जो आज भी गोलीबार तालाब के नाम से पता है। ये तो मैंने वीडियो में बताया भी नहीं था कि तालाब भी बना था। एक बार चलाने के लिए उसमें 100 किलोग्राम गन पाउडर, 50 किलोग्राम का आयरन बॉल की जरूरत पड़ती थी। बढ़ाने के बाद में उसी जगह से एक ही बार टेस्टिंग के लिए चला। बैरिल की 20 फीट लंबाई है, 50 टन वजन है, अष्ट धातु का बना हुआ टोल, 50 टन वजन है बैरिल में, गाड़ी सहित 250 टन, और 4 एलिफेंट की सहायता से मूव कर सकते थे डायरेक्शन चेंज कर। एक बीच में चूड़ीदार एंगल है जिससे रेंज कम दूर करते थे। आगे वाले पहियों की 9 फीट ऊँचाई, पीछे वालों को 4.5 फुट, और तोप की आगे से गोलाई 6.5 फुट और पीछे से 8.5 फुट, और लड़ाई के लिए बनी, फिर भी सुंदरता के लिए पीछे पक्षी युगल है, बीच में मीनाकारी काम है, आगे मुँह के ऊपर हाथी बना हुआ गणेश जी। हर दशहरे को अभी भी हथियारों का पूजन होता है, उसका भी पूजन होता है। वो ब्रिगेडियर थे आर्मी में, सैनिक खतरे की लड़ाई में उनको महावीर चक्र मिला। उनके एक लड़की है दिव्या कुमारी, जो अभी राजसमंद से सांसद है, उनके बड़े लड़के को भवानी सिंह जी ने गोद लेकर के और राज तिलक किया, राजा अब सवाई पद्मनाभ सिंह जी नाम है उनका, अभी 22-23 वर्ष की उम्र है। उनकी गौतमी कुमारी उनकी बहन बहन भी है, सब कुछ गौरवी मेरे को फॉलो करती हूँ ना इंस्टाग्राम पे, इसलिए। अच्छा, मुझे लगा तू यही बस। नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे वो पेज है ना उनका, वो फॉलो करती हूँ, पद्मनाभ सिंह कुछ समथिंग है, सवाई पद्मनाभ सिंह नाम है, मुझसे बोला नहीं जाता कभी। आप अभी से रख लोगे यहाँ 50-50 रुपए में? नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ इसलिए। उनसे छोटा एक और है, वो लक्ष्य राज सिंह, वो हिमाचल, वो उदयपुर के है ना लक्ष्य राज सिंह, तो नहीं वो उनको हिमाचल दोन। अच्छा, जो राजमाता है पद्मिनी देवी जी, उनके पैर में भी कोई नहीं था। अच्छा। तो वहाँ का राजा उनको बना दिया। गोल्फ खेलते हैं बहुत अच्छा, वो मैंने देखा है। 50 रुपये इसको भी देना भाई। दो लाइन इसने भी बोली। चलो, थैंक यू, आपने इतना अच्छा किया। क्या नाम है आपका? भोपाल सिंह। भोपाल सिंह जी, तो गाइस ये थे भोपाल सिंह जी, यहाँ से आप गाइड ले सकते हो, 100 रुपये लेते हैं ये, आपको अच्छे से पूरी जगह दिखा देंगे। हमें तो बहुत मज़ा आया, हमने हिम्मत हार दी थी बाहर जाके कि कोई गाइड मिलेगा नहीं, बट बहुत अच्छे तरीके से समझाया, थैंक यू। सो गाइस, ये था पूरा जयगढ़ फोर्ट का अंदर से गाइड के साथ टूर। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया प्लीज़ द लाइक बटन और सब्सक्राइब करें, ऑल्सो द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाए हो उसके सबसे आपको पहले अपडेट मिले। और जयपुर के ब्लॉग और भी आने वाले हैं, तो डेफिनेटली वॉच ऑल द ब्लॉग्स। विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय।